हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिन की शुरुआत होती है मेरी सुबह के 5:30 बजे में ही सो के उठ जाती हूँ। तो कभी कभी थोड़ा जल्दी भी उठ जाती हूँ, कभी थोड़ा 5-10 मिनट लेट भी हो जाता है। तो अभी मैं सोकर उठ गई हूँ। उसके बाद सो के उठने के बाद मैं क्या करती हूँ कि जो बेड शीट होते हैं उनको अच्छे से ठीक करती हूँ और बेड अच्छे तरीके से लगाती हूँ दोस्तों। तो हमें सबसे पहले यही करना चाहिए कि सुबह जैसे उठें तो सबसे पहले आप अपना बेड ठीक कर लें, उसके बाद में ही कोई अन्य काम करें। तो मैंने यहाँ पर बेड ठीक कर लिया है। इसके बाद मैं पूजा रूम में माता रानी और भगवान लोग को प्रणाम करती हूँ। इसके बाद मैं जाती हूँ अपना ब्रश करने के लिए, क्योंकि ब्रश करना भी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है सुबह उठने के बाद। तो मैं सबसे पहले ब्रश करती हूँ और उसके बाद जब ब्रश हो जाता है उसके बाद ही मैं नहाने जाती हूँ। तो वैसे तो मैं ब्रश करके चाय पीती हूँ, बट आज मेरा फास्ट है तो मैं ब्रश करके सीधे नहाने जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ और अपने हेयर को कंघी कर रही हूँ। तो कंघी करने के बाद, मतलब कंघी करने में तो मुझे 5 मिनट टाइम लग जाता है, और थोड़ा जल्दी जल्दी मैं पूजा करना भी है तो थोड़ा ऐसे ही सिंपल ही मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाऊंगी और सिंपल तरीके से अपना कंघी कर लूँगी। तो मैंने सिंपल अपना बाल कंघी कर लिया है। उसके बाद मैं फेस पे मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, जो कि मॉइस्चराइजर लैक्मे का होता है, क्योंकि आपको स्किन हाइड्रेट रखने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी होता है। तो ये लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइजर है। यह हमारे स्किन के लिए बहुत हेल्दी है और स्किन का अच्छा एक टोनर है, स्किन टोन करता है। और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, और ये सब स्किन टाइप है। ऑल स्किन में भी आप लगा सकते हो, ड्राई स्किन में भी लगा सकते हो, हर ऑल स्किन टाइप है। तो मैं इसे ही यूज करती हूँ। उसके बाद में मैं बॉडी लोशन लगाती हूँ, उसके बाद में पूजा करने। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मैं यहाँ पे अपना पूजा कर रही हूँ, यहाँ पे रामायण है, इसको रामायण को पढ़ रही हूँ। उसके बाद में मैंने पूजा अपना कंप्लीट ऑलमोस्ट कर ही लिया है। 1 घंटा लगता है अगर रामायण पढ़ती हूँ तो। तो आज रामायण पढ़ना था, आज बृहस्पतिवार भगवान का व्रत भी था, तो मैं बृहस्पतिवार भगवान मतलब बृहस्पतिवार को भी व्रत रखती हूँ। तो यहाँ पे व्रत पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। 2 कप चाय बनाना है मुझे और मेरी बहन के लिए। मासी तो अभी कहीं मार्केट गई हुई है, तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। 2 कप है चाय, तो वही मैं चाय बना रही हूँ। मीठा मुझे चाय में थोड़ा कम ही पसंद है, तो इसलिए मैं शुगर कम यूज करती हूँ, और चाय को पूरे अच्छे तरीके से खोला कर ही मुझे पसंद आता है। कुछ लोग थोड़ा कम खोलाते हैं, लेकिन मुझे जो थोड़ा जला जला टाइप का टेस्ट दे, थोड़ा ज़्यादा खोल जाए, तो मैं 1/2 घंटे तक ही चाय को उबालती हूँ। जब चाय अच्छे से बॉयल हो जाता है उसके बाद ही मैं अपना चाय वो करती हूँ, चाय छन्नी से छानती हूँ। तो अब ऑलमोस्ट चाय रेडी है, तो मैं यहाँ पे चाय को छान रही हूँ। तो आप सब देख सकते हो गाइस, अब यही एक काम था जो मैंने, और मैंने अपना पानी गर्म कर लिया, क्योंकि मैं थोड़ा सुबह सुबह वार्म वाटर पीती हूँ, तो फास्टिंग था तो आज सुबह मैं नहीं पी पाई। तो पानी 1 गिलास में है, उसके बाद मैं चाय पी लिया मैंने। तो अभी उतना वीडियो शूट नहीं किया है चाय पीते पीते। तो उसके बाद चाय पीने के बाद भिंडी था, तो मैं सोची कि थोड़ा मैं ये सब्जी काट देती हूँ मासी का हेल्प करने के लिए। तो मैंने भिंडी को अच्छे तरीके से धो लिया है और अब मैं भिंडी को काट रही हूँ। उसके बाद ही मैं और कोई काम करने जाऊँगी। यू नो गाइज, मुझे काम जब भी करती हूँ तो मैं सॉन्ग सुन के करती हूँ, क्योंकि ऐसे काम भी हो जाता है और गाना भी सुनती हूँ और अच्छा भी लगता है। तो मुझे अरिजीत सिंह जी का सॉन्ग बहुत पसंद है, बिकॉज वो पूरे दिल से गाते हैं। उनका जो भी सॉन्ग होता है वो हर टचिंग सॉन्ग होता है दोस्तों। आप सबको पता ही होगा कि अरिजीत कितने अच्छे सिंगर हैं, कितना अच्छा से गाते हैं, लीजेंड हैं। और अरिजीत कि तो लाखों करोड़ों फैंस हैं और सब लोग उनको बहुत हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनी शर्मा आज वर्ल्ड, एंड आई एम सोनी शर्मा गाइज। सो टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, और बिना स्किप
ये ही वीडियो ये वाला देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे दोस्तों वीडियो तो फिर आपको पता चल नहीं पाएगा कि मेरा डेली का रूटीन क्या है। सो एंड तक बने रहे वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो जल्दी से अपलोड करूँ तो जल्दी से आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, कर रही हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। तो मैंने सोचा कि मैं एक सब्जी थोड़ा सा बना देती हूँ, इसके बाद मैं अपना पढ़ाई वाला काम कंप्लीट करूँगी। तो अब ज़्यादा देर नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट है, उसके बाद सब्जी बन जाएगी। तो सब्जी बन गई, तो उसके बाद में मैंने सोचा कि अपना स्टडी का काम कम्प्लीट कर लेती हूँ, तो SSC प्रिपरेशन करती हूँ मैं। तो उसी के लिए ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। रीजनिंग का पीयूष वासने सर हैं, वो रीजनिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो मैंने इन्हीं से ऑनलाइन क्लास बाय किया हुआ है, तो मैं इन्हीं का क्लास अटेंड करती हूँ। अपना सब काम ख़त्म करके, मीन्स ब्रेकफास्ट ये सब करके, तो मैंने आज फास्टिंग है तो चाय पी के मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सब्जी भी बन गया है तो सोचा कि थोड़ा सा ये उनका क्लास अटेंड कर लूँ। तो वही मैं पीयूष वासने सर का ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही हूँ। तो 1 घंटा 1.5 घंटा ऑलमोस्ट इनका क्लास चलेगा, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करूँगी। तो अभी इन्हीं का क्लास अटेंड कर रही हूँ और जो भी नोट्स है उसे नोटबुक पे नोट कर रही हूँ। अपने वर्क थे वो कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और अब हो चुके हैं शाम। तो मैं अपने टेरेस पे आई हूँ और बिकॉज आज मेरा फास्ट भी था गाइज, तो मैं एक्सरसाइज और योगा नहीं कर पाई थी। तो अब तो शाम हो गई है तो मैंने वॉकिंग अपना कर लिया है, वो भी मैं वीडियो में शूट नहीं कर पाई। और योगा भी थोड़ा बहुत कर लिया है बिकॉज आज फास्टिंग है, तो सुबह में जल्दी जल्दी थोड़ा पूजा करना रहता है, तो इस वजह से मैं योगा नहीं कर पाई सुबह में। तो मैंने अभी कर लिया है, कुछ है रीज़न तो इसलिए मैंने उसका शूट नहीं किया है गाइज। और खुली खुली हवा शाम में और सुबह में छत पर बहुत ही अच्छी लगती है और अच्छी वाइब आती है गाइज। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो गाइज, और अगर अच्छा लगा हो तो आप सब
सबके लिए एक लाइक तो बनता ही है, आप सब कीजिए। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो जल्दी से आप सबके पास नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। और साथ ही साथ चैनल सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव।